मुझे आ गया यार। आज तो मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा। वाह, इसकी कितनी तेज चल रही है, इससे तो हवा भी आती है, उसके अंदर तो लाइट भी चल रही है। चलो उसको चला के भी देखते हैं। वाह, ये कितनी तेज चल रही है। ये आज तो मैं ड्रोन उड़ाऊंगा। मैं रो रोगा, मेरी एयरप्लेन टूट जाएगी। अरे हटा इसको, उड़ती तो है नहीं है। ये भी उड़ती है। क्या बात कर रहा है, तेरी एयरप्लेन उड़ती है? हाँ। लेकिन मेरे ड्रोन से तेज तो नहीं उड़ती होगी। हाँ उड़ती है। अच्छा। हाँ लेकिन मेरे में तो कैमरा है, तेरे तो कैमरा ही नहीं है। अरे हाँ यार, मेरी वाली में तो कैमरा ही नहीं है। चल जा यहाँ से, आया बड़ा एरोप्लेन लेके। इसको क्या हो गया है? उदास हो गया ये तो, है? दिल पे ले ले इसने तो। क्या हुआ, क्या हुआ, सिर पकड़ के कैसे बैठा, क्या हो गया? भाई मेरे एरोप्लेन में भी कैमरा लगाओ। कैमरा एरोप्लेन के अंदर? हाँ। इसके अंदर कैमरे का ऑप्शन तो दे रखा है यार इसमें, लेकिन ऐसा सॉकेट ही नहीं है मेरे पास। कैमरा कौन सा कैमरा? अच्छा हाँ, मैंने कैमरा देखा हुआ है, कुछ हो सकता है इसके साथ में, इसके भी कैमरा लगा सकते हैं। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो गाइस इसमें यहाँ पर कैमरे का छोटा सा सॉकेट दे रखा है, लेकिन अपने पास इस टाइप का कैमरा है नहीं, तो इसका दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को इसके अंदर कैमरा लगाने के लिए। तो गाइस यार मैंने अमेजन पर बहुत ज्यादा ढूंढा इसको, मतलब कैमरा, छोटा कैमरा चाहिए था मेरे को, और फाइनली मेरे को एक कैमरा जाके मिला जो कि ये वाला है, स्पाई कैमरा, छोटा सा कैमरा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज है इसका। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसके अंदर क्या क्या मिला अपने को। तो गाइस ये एक वाईफाई कैमरा है और इसके ऊपर यहाँ पर स्कैनर दे रखा है, इसकी हेल्प से अपन इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या चीजें देखना। तो ये रहा यहाँ पर कैमरा छोटा सा, और ये है गाइस इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की, देखो मतलब प्राइस के हिसाब से पैकेजिंग और डब्बा वगैरह सब कुछ सही दे रखा है, और इसकी प्राइस गाइस आप जानोगे, आपको बताऊंगा मैं तो आप हैरान हो जाओगे। इसकी प्राइस 680 रुपए पड़ी, होलसेल में 600 रुपए में आराम से मिल जाता है। देखो इसका साइज कितना कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पर ऑन ऑफ के बटन दे रखे हैं, यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रखा है। पीछे की तरफ देखो गाइस इसमें स्पीकर भी लगा हुआ है, मतलब अपन जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड भी होगा और सुनाई भी देगा यहाँ से। और ये देखो यहाँ से सामने की तरफ छोटा सा कैमरा है, और इसका वेट 21 ग्राम का वेट है, तो इसका वेट आराम से एरोप्लेन उठा लेगी। तो इसको क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाना है और एरोप्लेन के साथ चिपका देना है, तो अपनी एरोप्लेन कैमरे वाली एरोप्लेन हो जाएगी। और इसके साथ में ये देखो छोटा सा बॉक्स और मिला, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले तो निकली ये माइक्रो यूएसबी वाली केबल, और क्या है तो दूसरी चीज ये है गाइस, देखो इसकी स्टैंड है, तो इसके एक तरफ यहाँ पे चिपकाने का सिस्टम दे रखा है, और यहाँ पर सामने तरफ मैग्नेट लगी हुई है, इसको अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं सभी डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक होने की वजह से ये जो कैमरा है इसके ऊपर कुछ इस टाइप से चिपक जाता है। देखा कितना कॉम्पैक्ट साइज का कैमरा आ गया। तो गाइस देखा आपने कैमरे का साइज कितना ज्यादा छोटा है। चलो अब इसको एरोप्लेन के साथ अटैच करते हैं और फिर आदमी उसको उड़ा के देखते हैं। सो गाइस इस एरोप्लेन के नीचे यहाँ पर देखो सर्कल टाइप का कुछ खड्डा है, और जब मैंने इस कैमरे को इसके अंदर सेट किया तो यार ये प्रॉपरली फिक्स साइज का है, देखो इसके अंदर सेट हो गया है। पता नहीं है इसके लिए कटआउट दे रखा था या क्या सिस्टम है, लेकिन ये कैमरा इसके अंदर सेट हो गया। और चलो इसको यहाँ पर एक बार चिपका कर उठाकर देखते हैं। वैसे तो इसकी सीजी यहाँ पे इस वाले कट के अंदर है, तो ये सीजी से थोड़ा आगे जा रहा है, तो क्या पता एरोप्लेन को ये आगे की तरफ झुकेगा क्या करेगा। तो पहले इसकी सीजी चेक करनी पड़ेगी कहाँ पर है इसकी सीजी, और उसके हिसाब से फिर उसको उड़ा के क्या पता यहाँ पे हो या फिर यहाँ पर ही हो, उस हिसाब से इसको चिपका के चेक करेंगे प्रॉपर इसको लेकर उड़ पाती है नहीं उड़ पाती है, तो चलो चेक करते हैं। तो ये है नैनो टेप जो कि दोनों तरफ से चिपक जाती है, आप तो इससे अच्छी तरह से वाकिफ हो गए, काफी वीडियो वायरल हो रखे थे इसके। तो इसका छोटा सा पीस लेते हैं अपन, तो इसको मैं एरोप्लेन में यहाँ पर चिपका देता हूँ, ये हो गया। तो मैंने नैनो टेप यहाँ पर लगा दी, अब कैमरा का केवल यहाँ पर चिपकाना है। ऑन ऑफ के बटन को मैं इसके ऊपर की तरफ रख दूंगा, ये हो गया सेट, और ये बिल्कुल मजबूती से चिपक चुका, कुछ बिल्कुल गिरने का चांस ही नहीं। अब इसको उड़ा के देखते हैं कि ये एरोप्लेन उड़ पाता है या नहीं, इसे लेके क्या पता ये नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा। तो मैं अभी आ गया खेतों के अंदर, और यहाँ पर मैं रिच की तरफ उधर भेज के दिखाऊंगा आपको, ताकि ये टूटे नहीं गिरे नहीं, उसके ऊपर जाके अटक जाए, क्योंकि मेरे को पता है ये पहली बार में तो नहीं उड़ेगी। तो चलो भेज के देखते एक बार कि ये ऊपर जाती है नीचे जाती क्या होता है। तो गाइस आगे की तरफ झुक रही है, तो एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं, आगे का मुंह खुल गया इसका, तो यहाँ पे सेफ रहेगा। अभी छत से उड़ाते तो वहां से गिर के टूट भी सकती थी, कैमरा भी टूट सकता था, तो एक बार इसको वापस सेट करते हैं फिर उड़ाते हैं। तो इस बार मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा, ऊपर ही उड़ जानी चाहिए फिर, ठीक है करते हैं। टकरा गई गाइस, उड़ी तो सही है यार। तो गाइस लगभग ये सक्सेसफुली उड़ तो रही है, बट ये मतलब जैसे जैसे आगे जा रही है नीचे की तरफ ही जा रही है, ऊपर मुंह नहीं कर पा रही, क्योंकि ये थोड़ा आगे की तरफ ही है तो इसको झुका रहा है। तो एक बार ऐसे ही अपन रिकॉर्ड करके देखेंगे, और फिर बाद में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे पीछे की तरफ, और फिर बाद में उड़ाएंगे, ये सीधी जानी चाहिए कुल मिला के, तभी फुटेज रिकॉर्ड होगी। चलो खेत में चलते और भी खुले में उड़ाते फिर। तो अभी और भी खुले मैदान के अंदर आ गया, और यहाँ पर मैं इसको एक बार पूरी लंबी उड़ाकर देखता हूँ कहाँ तक जाती है। अगर ज्यादा लंबी जाएगी तो हवा में जितनी देर रहेगी उतना ज्यादा फुटेज रिकॉर्ड होगा अपने पास। तो पहले भेजते हैं और फिर बाद में इसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 1 2 3
इस बार फिर से उसका मुंह खुल गया और यहाँ से वहां तक गई। उड़ी तो है ये, मतलब अपना फुटेज तो निकल सकता है इससे भी, लेकिन थोड़ी लंबी जानी चाहिए, इसमें मजा नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ इसको उड़ाने के बाद इसको मोड़ू भी सही, मोड़ के वापस भी लेकर आऊँ, मतलब अपना खुद का फुटेज भी रिकॉर्ड कर सके नीचे से। तो उसके लिए इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, एक बार पीछे की तरफ एडजस्ट करेंगे। सो गाइस इसका सीजी लगभग यहाँ पे आ रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर इस कैमरा चिपकाते और फिर बाद में उड़ाते, इस बार लंबी जाएगी यहाँ पर उड़ाने के बाद। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया और इस बार एक बार उड़ा के देखते फिर रिकॉर्डिंग चालू करेंगे इसकी। तो अब आ चुका है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये इसको लेके उड़ पाती है नहीं, तो पहले ये टेस्ट कर लेते हैं, वापस इसको मोड़ के भी उड़ाने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में इसकी फुटेज रिकॉर्ड करके देखेंगे कि कैसा आएगा इसका फुटेज। तो गाइस इसको उड़ाकर देखने से पहले, मेरे पास ये ड्रोन है और इसकी रेंज है मतलब कि ऊपर जा सकता है 500, तो ये 500 मीटर की हाइट तक जा सकता है। तो आइडिया मेरा कुछ ऐसा है कि मैं इसको इससे बांध के 500 मीटर की हाइट पर ले जाऊं और फिर वहां से इसको उड़ाऊं 500 मीटर की हाइट से, मतलब दिखाई देना ही बंद हो जाता है लगभग, तो वहां से इसकी रेंज भी होगी, तो वहां से ये कनेक्ट हो जाएगा और 500 मीटर की हाइट से फिर गिरा देंगे इसको, और गिरने बाद ये जिस भी रेंज में आएगा वहां से कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक वहां से उड़ने लग जाएगा, तो फुल हाइट से उड़ेगा तो कितना शानदार लगेगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको इस वीडियो को 3K लाइक करना होगा, 3K लाइक कंप्लीट होते ही आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, तो फटाफट से 3K लाइक कंप्लीट करो, अभी जाके नीचे लाइक का बटन आ रहा है फटाफट से दबाओ और वो वीडियो फिर बाद में 3K लाइक के बाद में आपको मिल जाएगा। 1 2 3 ये गाइस तो उड़ चुकी है, वापस मोड़ के लेके आते हैं और ये मुड़ के भी आ गई यार, वो यार अपना आइडिया सक्सेस रहा, कितनी शानदार उड़ रही है ये, वाह यार बहुत शानदार उड़ रही है, देखो गाइस यार मजा आ गया यार। तो गाइस कैमरामैन के आगे टकरा गई एरोप्लेन, तो उड़ रही है अपना आइडिया सक्सेस रहा, ये कैमरे को लगा, देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसको लेकर आराम से उड़ रही है। अब इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने का है मेन चीज, तो गाइस अभी कैमरा चालू कर दिया मैंने इसका और मेरे मोबाइल के अंदर इसकी लाइव फुटेज दिखा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखो, ये देखो मेरी शक्ल आ रही है इसके अंदर, यहाँ से मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ अभी और फिर बाद में उड़ाते हैं इसको, ये हो गई रिकॉर्डिंग चालू, तो अभी लाइव आ रहा है, तो उड़ाते हैं, जैसे भी फुटेज होगी हम आपको दिखा देंगे कैसा क्या है सीन। तो ये वाईफाई कैमरा है, तो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है, इसलिए मैंने इसको फोन लेकर खड़ा कर दिया ताकि इसके रेंज में रहे और इसको फुटेज मिलता रहे लाइव फुटेज। तो अभी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है और मैं इसको उड़ा देता हूँ वापस, ठीक है 1 2 3 ये गया अपना एरोप्लेन आसमान की ऊंचाई को छूते हुए, इसको वापस लेके आते हैं और ये आ रही है अपनी तरफ एरोप्लेन, अभी इसके अंदर जो भी व्यू होगा वो इसी के अंदर होगा, और अभी ये हमारे ऊपर से गई और गाइस देखो ये कितनी ऊपर तक जा रही है यार, आराम से उड़ रही है ये, वापस लेके आते हैं इसको एक बार। अभी इसके अंदर जैसी भी रिकॉर्डिंग हो रही दिख रही है क्या तेरे को इसमें, देख दिख रही है, दिखा एक बार कैमरे में दिखा। तो गाइस देखो आप इसकी फुटेज देख सकते हो अभी लाइव कैसे आ रही है, तो गाइस बहुत ज्यादा टकटक के आ रही है लेकिन आ रही है फुटेज, खेत दिख रहे इसके अंदर, देखो कन्नू दिखा। तो यार गाइस बिल्कुल आराम से स्टेबल तरीके से उड़ रहा है अपना एरोप्लेन, देखो गोल गोल चक्रेटक खिला रहा है और ये गया, ये वापस ऊपर गया, यार बहुत ज्यादा स्टेबल उड़ रहा है उल्टा ये तो, ये मजा आ गया गाइस मजा आ गया, ओ यू यार शानदार उड़ रहा है ये तो उल्टा, बिल्कुल स्टेबल तरीके से, देखो गाइस कबूतर पीछे पड़ रहे हैं, ओ फिर से टकरा गया, फिर से कैमरा टकरा गया, पता नहीं इसके पीछे पड़ रखा है। तो गाइस फुटेज इसकी इतनी ज्यादा खास नहीं आ रही लेकिन इसने रिकॉर्ड करी है और पहचानना मुश्किल है कि कौन कहाँ है, खेत मतलब झटके खाते हुए दिख रहा है, फुटेज तो आ गया। एक बार धान को ऊपर से उड़ेंगे फिर तो चना के ऊपर से उड़ेंगे और एक बार फिर से लेते इसका फुटेज, तो इसमें वाइक वगैरह भी दे रखा है और इसके थ्रू आवाज आएगी, देख हेलो हेलो, तो इस बार आवाज भी चालू कर देते और इसके पंखों की जो भी आवाज रिकॉर्ड होगी वो आपको मैं सुना दूंगा, ठीक है 1 2 3 आवाज बंद हो गई यार इसमें तो। तो इस बार मैं चने के ऊपर से उड़ा रहा हूँ इसको और ये पेड़ों के ऊपर गई, ये धान के ऊपर भी जा चुकी है और अब इसको वापस लेके आते रहे भाई, धान के मई जाके कूद गई वो तो लेकर आना पड़ेगा वहां से, मच्छर हो रहा है बहुत ज्यादा। तो गाइस इस धान के अंदर चली गई थी और मैं इसको चला के थोड़ा थोड़ा आवाज किससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां पे टीम मेंबर जाकर ढूंढ रहा है वहां पे, देखो एक बार और ये देखो यहाँ पे जाकर टक गई थी, पंखा तो नहीं निकल गया इसका, हाँ चालू कंडीशन है गाइस, बिल्कुल कैमरा अभी भी चालू है और ये गाइस वहीं से उड़वा दी हमने और ये जा रही है ऊपर और ये मैंने पेड़ के अंदर लटका दी इसको फिर से। तो गाइस दोबारा टकराने की वजह से उसके कैमरे की फुटेज बंद हो गई, इसके अंदर अटक चुका है और एरोप्लेन का पंखा भी निकल गया यहाँ पे टकराने की वजह से। तो गाइस यार अपना आइडिया तो सक्सेस रहा, अपनी एरोप्लेन जो कि कैमरे वाली है वो आराम से उड़ पाई और इसने रिकॉर्ड भी किया। अब इसके अंदर कैमरा क्वालिटी का होता तो उस वो क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड भी कर लेता लेकिन 600 रुपए के हिसाब से अपन और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छे से रिकॉर्ड करा और अपना आइडिया बिल्कुल सक्सेस रहा और अब आराम से ये बच्चा अपनी कैमरे वाली एरोप्लेन को उड़ा पाएगा और मैं चलता हूँ अपना ड्रोन उड़ाने के लिए। ले भाई तेरा एरोप्लेन पकड़ चल उड़ा, मजे कर तू भी क्या याद रखेगा।
वाह बढ़िया कर दिया क्रेश, उड़ाएगा ये एरोप्लेन, छोड़ रहने दे, लेके आ भाई एरोप्लेन, छुट्टी है जा।